तो यहाँ पे मैं जिस प्रोसेस का यूज लूंगा वो इजीली प्रोसेस होगा, पूरा इजी मेथड होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रशांत। तो इस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन के अंदर पेलोड को किस तरीके से इंजेक्ट कर सकते हैं, वो भी इजीली। तो यहाँ पे मैं जिस प्रोसेस का यूज लूंगा वो इजीली प्रोसेस होगा, पूरा इजी मेथड होगा। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को डिकम्पाइल नहीं करूंगा, ना उसके अंदर मैं उसके एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर कुछ कोड डालूंगा, या मतलब कुछ भी मैनुअल प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे टूल्स के मदद से हम इजी प्रोसेस है, बिल्कुल किसी भी एप्लीकेशन के साथ में आप इस प्रोसेस का यूज करके पेलोड को इंजेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये कैसे करना होता है। तो मैं अपनी जो काली लिनक्स है उसे ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी काली लिनक्स। अब यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन के साथ में आपको दिखाऊंगा, एप भी लाइट। इस एप्लीकेशन के साथ जब हम करते हैं तो हमें एक एरर देखने को मिलता है, अनेबल टू रिबल्ड एपीके विद एपीके टूल। ये एरर हमें देखने को मिलता है एपीके टूल की वजह से, हमारे जो एपीके है ठीक है वो रिबल्ड नहीं हो पाता है पेलोड इंजेक्ट होने के बाद भी। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से अपने एपीके को ठीक है, या फिर कहें तो पेलोड को किस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन में इजीली कैसे बाइंड कर सकते हैं और कैसे रिबिल्ड कर सकते हैं। तो मैं अपना जो कौनसोल है उसे ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने वैसे एक टर्मिनल ओपन किया हुआ है, इसमें मैंने लिसनर बनाया हुआ है ठीक है। तो इसे मैं करता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे मैं एक नया कौनसोल ओपन कर लेता हूँ। ओके, ओपन हो गया ठीक है। मैं अपने डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, सीडी डेस्कटॉप। ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन है एप बी लाइट। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये देखिए वो एरर आता है कि नहीं, आपको एरर दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे हम जो पेलोड बाइंड करने की जो कमांड होती है वो हम यहाँ पे कमांड देंगे, एवन एम एस एफ वैराम आईफोन एक्स। हमें यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम डालना है, आईफोन पी मतलब पेलोड, पेलोड एंड्रॉइड स्लैश मेटाप्रिटर, मेटाप्रिटर स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी, एल होस्ट। एल होस्ट में हमें अपनी आईपी डालनी है, एलपोर्ट, एलपोर्ट में हमें पोर्ट डाल देना है। उसके बाद में हम जो भी नाम रखना चाहते हैं इसका वो हमें नाम दे देना है। तो हम यहाँ पे रख देता हूँ उसका नाम एप बी मोड डॉट ई पी के, और ऐसा मैं कर देता हूँ एंटर। अब इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा, बट आप खुद ही देखिए कि ये पेलोड इंजेक्ट, मतलब पेलोड तो इंजेक्ट हो जाएगा बट ए पी के टूल की वजह से हमारा जो एप्लीकेशन है वो रिविल्ड नहीं होगा। तो आप इस प्रोसेस को देखें पूरा। ये देखिए हमें यहाँ पे एक एरर देखने को मिल गया, अनेबल टू रिबिल्ड एपीके विद एपीके टूल। इसके वजह से हमारा जो पेलोड है इंजेक्ट हो तो गया पर रिबिल्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए अब हमें कैसे क्या करना है ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपने गौर की, यहाँ पे देखिए ठीक है, एक पाथ हमें मिला, ये देखिए टैप इस फोल्डर में ठीक है ओरिजिनल ठीक है, इस वाले फोल्डर में हमारा जो एपी लाइट है वो एक्सट्रैक्ट हुआ है एप्लीकेशन, और फिर इसके अंदर पेलोड इंजेक्ट हो चुका है। तो हमें करना क्या है, इस वाले पाथ में जाना है ठीक है, इसे आपको कॉपी करना है ठीक है। इस पाथ में जाके हमें क्या करना है, मैनुअली एपी के इजी टूल की मदद से ठीक है हमें रिबिल्ड कर लेना है अपने एप्लीकेशन को। तो इसे मैंने यहाँ से देखिए कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे सीडी, यहाँ पे इस पाथ को डाल देता हूँ। ये देखिए ठीक है हम इस पाथ पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए एक फोल्डर है ठीक है ओरिजिनल ठीक है, ये ओरिजिनल हमारा एप बी लाइट है जो कि यहाँ पे इस नेम से सेव हुआ है, और ये हमारा पेलोड। अब ये यहाँ पे देखिए डिकम्पाइल हुआ है, और हमारा ओरिजिनल जो एप बी लाइट था वो भी यहाँ पे डिकम्पाइल हुआ। अब इसके जो कोड थे जो हम इंजेक्ट करते हैं वो इसमें इसने मिला दिए हैं, बट एपी के टूल इसे रिबिल्ड नहीं कर पाया, यानी कि जैसे हम डिकम्पाइल करते हैं ना कंपाइल नहीं कर पाया। तो हमें करना क्या, अब हमें मैनुअली कंपाइल करना है। तो इसे हम करेंगे क्या, अपने डेस्कटॉप पे लेके आएंगे अपने विंडोज में। तो उसके लिए मैं इसे पहले जिप में डाल देता हूँ, ओरिजिनल जो फोल्डर है जिप में डालने के लिए आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं जिप आईफोन आर, आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दीजिए, एप बी जिप। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एप बी डॉट जिप। उसके बाद आपको फोल्डर का नाम दे देना है ठीक है, जिस भी फोल्डर को आप कंप्रेस करना चाहते हैं। तो ऐसे मैं करना चाहता हूँ, ये देखिए ठीक है मैंने इसका यहाँ पे नाम डाल दिया है। ओके ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ एंटर। ये देखिए ठीक है ये फोल्डर कंप्रेस हो गया यहाँ पे, ये देखिए एक फाइल हमारे सामने आ गई। तो इसे मैं मूव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। ओके, तो हम यहाँ पे एम बी कमांड लगाएंगे मूव करने के लिए, और फाइल की नाम। ओके, तो इसे मैं रूट डेस्कटॉप, ये देखिए अभी यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं होगी, ये देखो कोई फाइल नहीं है। इसे मैं करूँगा एंटर, तो ये फाइल हमारे डेस्कटॉप पे आ जाएगी। ओके, ये देखिए ठीक है, आने के बाद आपको करना क्या है, इसे कॉपी कर लेना है ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं अपनी जो फाइल मैनेजर है उसे ओपन कर लेता हूँ ठीक है। डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर चले जाना है आपको ठीक है, ए पी के इजी टूल, यहाँ पे आपको इसे कर लेनी है पेस्ट ठीक है। तो इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके ठीक है, इसे मैंने कर दिया पेस्ट।
अब मैं करने का ऐसा एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो रही है अभी। ये देखिए आपको यस टू ऑल कर देना है यहाँ पे। ओके ठीक है, एप बी नाम की एक जिप फाइल हमारे यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिनल नाम से ही है, ठीक है। तो हम इसका इसे क्या करेंगे, जो ओरिजिनल नेम है ठीक है, इसे हम कट कर लेंगे, ठीक है। आप कोई भी नाम दे दीजिए, ठीक है। तो इसे हम कट करेंगे, कट करने के बाद आपको उसे पेस्ट कर देना है डिकम्पाइल फोल्डर के अंदर। ओके ये देखिए ये पेस्ट हो गया। अब इसका हम जो नेम है ना, ठीक है, वो हमें कॉपी करना होगा। बट अभी उससे पहले हम यहाँ से जो एप्लीकेशन है उसे हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए ये एप्लीकेशन है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके ये आपको कॉपी करना है, कॉपी करके मैं इसे यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमें करना क्या है, जो इसका नेम है ना वो हमें कॉपी कर लेना है, कॉपी करना है, या फिर आप अपना इसका जो नेम है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको जो मेथड है ना वो समझ आ गया, फिर आप कोई भी नाम रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो एप बिलाइट था उसका नाम मैंने दे दिया ओरिजिनल, और डिकम्पाइल फोल्डर में डाल दिया ओरिजिनल के नाम से ये, ठीक है। हाँ, मैं एपी का जो इजी टूल है उसे ये शो कराना है कि हमने इस वाले एपी को एपी के इजी टूल से एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, डिकम्पाइल किया है हमने से, ताकि वो इसे रिकम्पाइल कर दे। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये डिकम्पाइल तो यहाँ पे हो रखा है, आपको प्रोसेस समझना है। तो इसे मैं कर लेता हूँ मिनिमाइज। अब यहाँ पे अपना जो एपी के इजी टूल है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ए पी के इजी टूल जो है मेरा ओपन हो गया। ओके तो यहाँ से जो ए पी के है उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर ए पी के इजी टूल ओरिजिनल ए पी के, अब यहाँ पे मैंने ये मतलब सिलेक्ट कर लिया, मतलब ए पी के इजी टूल का ऐसा शो हो रहा है कि जो ओरिजिनल नाम का जो डिकम्पाइल जो फोल्डर बना हुआ है उसे, ठीक है, इसने डिकम्पाइल किया है ए पी के इजी टूल ने, ठीक है। हमें इसे ये शो कराना, तो ये क्या करेगा, फोल्डर तो उसके अंदर ऑलरेडी हमने डिकम्पाइल करके हमें मतलब वहाँ पे डाला हुआ है हमने, जिसके अंदर पेलोड पेलोड ऑलरेडी इंजेक्ट हो रखा है। तो हमें करना क्या, इसे डायरेक्ट बस कंपाइल करना है, ठीक है। तो इसे मैं कर लेता हूँ कंपाइल। ये देखिए ये कंपाइल सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो हमें करना क्या, ये कंपाइल हो गया, उसके बाद हमें करना है इसे साइन। तो इसे मैं कर लेता हूँ साइन। ये देखिए एप्लीकेशन साइन हो गया सक्सेसफुली। तो इसे मैं कर लेता हूँ मिनिमाइज। अब यहाँ पे देखिए हम उस फोल्डर पे दोबारा जाएंगे, यहाँ पे रिकम्पाइल। ओके अब हम रिकम्पाइल फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। अभी देखिए ओरिजिनल डॉट एपी के, ठीक है, ये हमने साइन भी कर दिया। अब हमारा जो एप बी लाइट है, ठीक है, उसमें पेलोड इंजेक्ट हो चुका है। तो इसे मैं अपने जो एंड्रॉयड फ़ोन है उस पर मैं ट्रांसफर कर दे और ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इसे मैं लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए इस पर मैं इसे कर देता हूँ ट्रांसफर। ये देखिए ये इस पर हो गया इंस्टॉल। तो ये है मेरी काली लिनक्स, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जाऊँगा, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिसनर बनाया हुआ है। ओके अब यहाँ पे देखिए जो एप भी लाइट है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमें जो सेशन है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हमें यहाँ पे देखिए सेशन मिल गया है, मेटा ऑपरेटर सेशन वन ओपन। तो इसमें करता हूँ इंट्रा। ओके यहाँ पे देखिए हम सेशंस इंट्रा, ये सेशन हमें मिला है, ठीक है। इससे हम कनेक्ट होना चाहते हैं आईफोन आई, और हमें सेशन की आईडी डाल देनी, ठीक है, आईडी वन है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। अब इससे हम हो गए हैं कनेक्ट। ओके यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी एप्लीकेशन के साथ में पेलोड इंजेक्ट कर सकते हैं। बट कभी कभी एप्लीकेशन जो है वो एरर हो जाते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, मतलब नहीं हो पाते हैं। तो आपको करना क्या है, मैनुअली प्रोसेस का ही यूज़ ले लेना है फिर आपको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।